जी, तो ये मैंने हेड आपके सामने लिखे और इसका टोटल का कॉलम यहां ले आते हैं, दिस वन, ये टोटल का कॉलम आ गया। तो यहां पर एक एसेट ज्यादा है। सेम वही फॉर्मेट मैंने यूज करना है जो हमने पहले डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम लेते हैं जी कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट लेंगे ओपनिंग एज एट। अब मेरा जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है January 1, 2016, तो कॉस्ट का तो एलिमेंट हमारे पास हमारे से बड़ा आसानी से बन जाएगा, सब कुछ गिवन है। और इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि अमाउंट जो है वो रुपीज इन थाउजेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अमाउंट्स आर इन रुपीज थाउजेंड, तो अब देखें लैंड की जो कॉस्ट है वो 1 मिलियन है ओपनिंग, ठीक है, ये 1 मिलियन थाउजेंड पे कन्वर्ट करके लिख दिया। फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो 12 मिलियन है, तो 12,000 आ जाएगा। देन ऑफिस बिल्डिंग जो है वो 8 मिलियन, 20 मिलियन प्लांट एंड मशीनरी, और फिक्स्चर जो है वो 5 मिलियन, इसको टोटल करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है। 46 मिलियन की ओपनिंग कॉस्ट आ गई। अब सबसे पहले एडिशन डिलीशन, एडिशंस की तरफ आते हैं। कौन सा एसेट आपने न्यू खरीदा है, सर क्वेश्चन में देखिएगा ये एरिया, एक तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस वन, ये एरिया जो मैंने येलो कलर किया है, इसके अंदर आप देख सकते हो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 2016 ओल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 1 मिलियन वाज ट्रेडेड इन फॉर ए न्यू फर्नीचर बाय पेइंग 700,000 एंड ट्रेड इन अलाउंस फॉर 500। देखो वो कह रहे हैं कि एक पुराना फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 1 मिलियन थी वो आपने एक्सचेंज करो किया, यानी ओल्ड देकर ट्रेड इन किया न्यू फर्नीचर में, और न्यू फर्नीचर जो है वो 700 आपने पे किया है, यानी न्यू फर्नीचर के लिए 700 पे किया है, लेकिन साथ में ट्रेड इन अलाउंस भी लिया है। तो ट्रेड इन अलाउंस असल में ओल्ड एसेट की वैल्यू है। सो आई कैन से कि जो न्यू फर्नीचर खरीदा है वो 700 का नहीं है, वो 1200,000 का है, ठीक है, यानी 500 + 700। तो ये एडिशन में मैं लिखूंगा, फिक्स्चर में जाकर 1200, ठीक है। एक तो ये एडिशन हो गई, उसके बाद फिर आप देखिए ये प्लांट एंड मशीनरी, ये रीवैल्यू हो रहा है, लेकिन सेम डेट मशीनरी आपने डिस्पोज भी की है, मशीनरी आपने डिस्पोज भी की है, इसमें एडिशन कोई नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दें। ऑफिस बिल्डिंग रीवैल्यू हो रही है और ये फेयर वैल्यू गिवन है, और उसके बाद वो लिख रहा है कि बिल्डिंग एडजेसेंट, हाँ ये चीज देखिए, बिल्डिंग एडजेसेंट टू फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड ऑन March 31, 2016, यानी 31 मार्च को एक आपने फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी है 1.2 मिलियन की, तो ये भी एडिशन में आ जाएगा। ये दूसरी एडिशन है फैक्ट्री बिल्डिंग, और ये हमने बाय की है जी 1200 में। सिर्फ ये दो एडिशन हुई हैं, बाकी और कोई एडिशन नहीं हुई। देखो जब भी मैंने आपको क्लास में भी, जब फिजिकल क्लास हो रही थी तब भी मैंने एक चीज समझाई थी, जिस चीज को आप सॉल्व कर रहे हो सिर्फ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। तो हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हाँ, अब आइएगा जब मैं बात करूंगा डिस्पोजल की, तो सिर्फ डिस्पोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो एसेट जा रहा है हमसे, जो हमने डिस्पोज कर दी है, जो डी रिकग्नाइज कर दी है, उसकी कॉस्ट क्या थी। तो जरा देखिएगा, दो एसेट डी रिकग्नाइज किए, एक तो न्यू फर्नीचर, फर्नीचर आपने जो डिस्पोज किया उसकी कॉस्ट थी 1 मिलियन, तो ये 1 मिलियन मैं फर्नीचर में से माइनस करूंगा। और सेकेंडली ये मशीन, ये देखिएगा, मशीनरी कॉस्टिंग 2 मिलियन वाज सोल्ड, ये कॉस्टिंग 2 मिलियन, मुझे कॉस्ट चाहिए, कितने में बेचा इररिस्पेक्टिव, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे कंसर्न इस चीज से है कि मशीन जो बेची है उसकी कॉस्ट क्या थी, क्योंकि मैं इसका कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये 2000 की थी, माइनस 2000। इसके अलावा देखें तो नीचे रीवैल्यूएशन है और एक एडिशन थी जो मैं ले चुका हूं, मजीद इसमें कोई चीज नहीं आएगी, तो ये अमाउंट जीरो कर देता हूं, तो टोटल में भी अमाउंट आ जाएगी दिस वन। अच्छा, अब इसके बाद रीवैल्यूएशन आ रही है,
रीवैल्यूएशन अप्लाई हो रही है दो चीजों पर, एक प्लांट एंड मशीनरी पर और एक हो रही है ऑफिस बिल्डिंग पर, ठीक है। तो मैं यहां पर लेता हूं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में भी हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोज करनी है उस एसेट की जिसको आप रीवैल्यू कर रहे हैं, राइट। प्लांट की रीवैल्यूएशन कब हुई? 1 जनवरी 2016, इसकी जितनी ओपनिंग एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो सारी क्लोज हो जाएगी, राइट। इसी तरह जो ऑफिस बिल्डिंग है, एक और भी थी ऑफिस बिल्डिंग, ये रीवैल्यू की, और फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो 6 मिलियन की है फेयर वैल्यू ऑफिस बिल्डिंग की। और उसके बाद ओके फाइन। अच्छा, अब ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला जो पोर्शन है ये मेरा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं सारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना कर लूं, तो लिहाजा इसको मैं दो लाइनें छोड़ूंगा, एक तो ये आएगा और दूसरा रीवैल्यूएशन में इंक्रीज या डिक्रीज, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता। आई थिंक इसमें इंक्रीज है, लेकिन डिक्रीज होगा तो मैं डिक्रीज लिख दूंगा बाद में, अभी फिलहाल मैं इंक्रीज लिख रहा हूं। इस पोर्शन को हम कंबाइन कर लेते हैं, इसको हम पहले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। मिसिंग वैल्यू है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही मैं आगे जाऊंगा तो ये खुद ही वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी, मैं दोबारा यहां आके सॉल्व करूंगा। इसका आसान तरीका ये होता है टाइम्स बचाने के लिए, अगर मैं इसके अलहदा से कैलकुलेशन शुरू करूं फिर भी दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए यहां पर मैं इसको रोकता हूं और मैं इसको लिखता हूं एज एट दिसंबर 31, 2016, और इसको सम कर लेते हैं ताकि फार्मूले लगे हो यहीं से सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ये टोटल आ गया यहां तक, तो जब मैं वैल्यू लिखूंगा ये खुद ही वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, राइट। अब इसे आगे चलें नेक्स्ट में, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये पहली वैल्यू आ चुकी है मेरी अभी तक, accumulated depreciation। अब मुझे opening balance चाहिए as at January 1, 2016, और ये मुझे calculate करना पड़ेगा, ये question में given नहीं है, ठीक है। और एक चीज question के मुताबिक याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ plant and machinery पे reducing balance method है, plant and machinery पर, बाकी सब पर मेरा cost method, ठीक है। यानी आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। लैंड को तो छोड़ दीजिएगा, फैक्ट्री बिल्डिंग में आइएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग 12 मिलियन की थी, अब ये जरा यहीं से देख लो, ये जबानी कैलकुलेट हो जाएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग 12 मिलियन की थी, इस पर डेप्रिसिएशन रेट है 10% एक साल का, और 1 जनवरी 2012 को बाय की थी, तो मुझे कितने साल की डेप्रिसिएशन चाहिए, कितने साल मैं फैक्ट्री बिल्डिंग यूज कर चुका हूं, 2012 पूरा साल, 2013, 2014 और 2015, 4 साल मैं इसको एसेट को यूज कर चुका हूं। अगर एक एसेट मैं 4 ईयर यूज कर चुका हूं और स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% रेट है, तो 4 साल की डेप्रिसिएशन कितनी बननी चाहिए एक्युमुलेटेड? 40%, 10% into 4। तो आसान तरीका तो ये है कि मैं सीधा सीधा इसकी डेप्रिसिएशन ले लूं, लेकिन मैं वर्किंग शो कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस, ओके। तो सबसे पहले देखिए कि ये एसेट खरीदा कितने में था, इसकी कॉस्ट क्या थी, ये मैं सारी इंफॉर्मेशन यहां ला रहा हूं, 12,000। डेट ऑफ परचेज क्या थी, डेट ऑफ परचेज जो है वो हमारे पास 1 जनवरी 2012 है, तो years used, कितने साल यूज किया, अब देखो यहां से काउंट कर लो अप टू 31 दिसंबर 2015, तो ये 4 years यूज किया, राइट। तो डेप्रिसिएशन रेट कितना है मेरा, 10%। मेथड है मेरे पास स्ट्रेट लाइन। अब मैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालूं जी,
तो डेप्रिसिएशन यहां मैं वर्किंग शो कर देता हूं, डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, 12,000 इनटू 10%, ये एक साल की डेप्रिसिएशन हो गई, इनटू 4, क्योंकि मुझे 4 साल की डेप्रिसिएशन चाहिए, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 12,000 इनटू 10% इनटू 4, जो के बनेगा 4,800, ठीक है। यहां तक मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किया, क्योंकि ये टाइम खत्म हो गया है क्लास का और अभी मैंने अटेंडेंस लेनी है, बड़ा जरूरी है। तो आप इतना हिस्सा जितना मैंने आपके सामने किया, जरा इसको आज घर में रिवाइज कीजिएगा, और ये मैं रिकॉर्डिंग पहले ऑफ करूंगा, फिर मैं उसको स्टार्ट करता हूँ अटेंडेंस को।